मिट्टी टू पानी पला अड़ता वा ये किसानी जवानी के पानी पा दिता जाए जो दिल्ली बैठे आ उन्होंने बेनती करना है भूखने जवानी फैला लो हों मौका वा असी कहने कणक के झोने के नाल खसखस की खेती की इजाजत दी जाए फिर तेनों पता ही आ टीटू बाणी का कब्बा बंदा वा कफन नाल लैके चलता सीधी नाल निकला क्यों तो टेढ़ी करूँ टीटू बाणी डीसी दफ्तर पट के इतने पूरे डीसी दफ्तर खसखस की खेती करूँगा भावें फिर लख परचे कट देने मेरे देखो परचे तो गलत पा रहे जो डोडे फीम खान लगे उन्होंने तो परचा पाई जाते हैं जो चिट्टा बेचता उन्होंने तो परचे नहीं पाते पहला भी सियासी पार्टियां वालों मुद्दा चुकया गया इस बार नवजोत कौर सिद्धू वालों भी कल मुद्दा चुकया गया है तुम्हें क्या लगता सरकार इसके उपर कुछ फैसला ले सकती है तुम कहते नाम लेते हैं मेरे मूरे बाबर बीपी बढ़ जाता मेरा अफीम की खेती का मुद्दा एक बार दोबारा फिर उठना शुरू हो गया जो लुधियाना डीसी दफ्तर के बाहर टीटू बाणिया वालों खसखस की खेती करने की मांग की जा रही है साढ़े नाल टीटू बाणिया मौजूद है टीटू बाणिया जी डीसी दफ्तर पहुंचे अज सब तो पहला टीटू बाणिया वालों वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह अज असी फिर डीसी के दरबार पहुंचे हाँ तो पला अड़ते हैं भी टीटू बाणिया पला अड़ता वा ये किसानी जवानी के पानी पा दिता जाए क्योंकि साडा जवान नौजवान चिट्टे ना मर रहा मैडिकल नशे ना मर रहा साड़ी जी किसानी हैगी डुबती जा रही है कणक का झोना असी कहने कणक के झोने के नाल खसखस की खेती की इजाजत दी जाए तो पानी खत्म हो रहा दिनों दिन तो आने वाली पीढ़ी को पानी मिलना ही नहीं जहा ही हाल रहा असी खसखस की खेती की बेनती कर आए हैं तो किसान जथेबंदियों वाले जोड़े दिल्ली बैठे आ उन्होंने बेनती करना है भूखने जवानी फैला लो हूँ तो मौका वा मोदी साहब न आखो भी खसखस की खेती पंजाब दे विच क्यों नहीं लागू कर रहे तुसी जो होर मुल्कां दे विच हैगी आ अज टीटू बाणिया हमेशा सीधी उंगलां क्यों कढ़दा वा फिर तेनों पता ही आ टीटू बाणिया का कब्बा बंदा वा कफन नाल लैके चलता सीधी नाल निकला क्यों तो टेढ़ी करूँ टीटू बाणिया मैं अज डीसी साहब नूं बेनती करना आया वा अपील करना आया वा भी खसखस की खेती कराओ जे इन्होंने ना कराई मैं वह ट्रैक्टर ट्राली लिया के डीसी दफ्तर पट के इतने पूरे डीसी दफ्तर खसखस की खेती करूँगा भावें फिर लख परचे कट देने मेरे से की टीटू बाणिया वालों नशे को प्रमोट किया जा रहा कि टीटू बाणिया नशे खत्म करने की गल नहीं की जा सकती सी देखो जी नशे को प्रमोट नहीं कर रहा मैं नौजवानी किसानी तो पानी बचा रहा वा नशा तो ठेके भी दारू नशा ही आ अज तक कहने जेडे अपने डोडे फीम खाते आ उन्होंने थोड़े थोड़े डोडे फीम दे दौ तो चिट्टे बनी ना जा मैडिकल नशे बनी ना जा किसान का कर्जा आप कदों तक माफ़ करा दस्यो किसान किन्ने फाहे लै गया अज असी बेनती कर आए हाँ तो डीसी साहब नूं भी करना है केंद्र सरकार नूं भी करना है तो कैप्टन का साडा सुत्ता ही पिया वा बस कम ही कर रहा इतने हुण दस 50 रुपए किलो डोडे आ 6000 बेची जाते कौन बेचता सरकार बेच दें निकरा इन्हें लीडर बेच दें इन्हें निकरा इन्हें पता वा भी साडा बिजनेस डाउन होजू नाले जे खसखस की खेती होगी तो वीर पंजाब सरकार नूं भी फायदा होना वा आमदन वधूगी किरा अज तक बेनती करना है तो नहीं फिर मैं बड़ा सप्प कढूँ तैनूं पता ही है पहला भी अफीम की खेती करन दा मुद्दा पहला भी उठाया सी उस तो बाद कईआं ते परचे भी होए ने अज तुसीं भी डीसी दफ्तर पहुँचे हो खेती कर मंग कर रहे हो खेती करन दी देखो परचे तो गलत पा रहे जिहड़े डोडे फीम खाण लगे उन्होंने तो परचा पाई जाते जिहड़े चिट्टा बेचता उन्होंने तो परचे नहीं पाते जिहड़े मैडिकल नशे बेचते एक डोडे फीम खाण वाले ने की गुनाह करता तू जेल में सुटे हुए आ तुसीं मनुखी अधिकार का कतल किया वा आ तो अपना व्यापार ना खत्म हो जाए सरकार जड़ी है झूठ का पलंदा ने करा मैं तो लोगों को बेनती करता वा भी जो डोडे फीम की खेती की मांग करता वा उन्होंने वोटा पाओ इन्हों की जमानत जब्त कराओ इन्हों बाकी ड्रामा करते हैं सारे तेनों पता ही है पहला भी सियासी पार्टियां वालों मुद्दा चुकया गया इस बार नवजोत कौर सिद्धू वालों भी कल मुद्दा चुकया गया है तुम्हें क्या लगता सरकार इसके उपर कुछ फैसला ले सकती है तुम कहते नाम लेते हैं मेरे मूरे बाबर बीपी बढ़ जाता मेरा नवजोत सिंह सिद्धू की किया उन्होंने जिंदगी जो बीजेपी के दस की चैनल से दंदियां कढ़िया ने चुटकले सुनाए इन्होंने 4 साल हो गए कैप्टन सरकार के लोगों वास्ते नहीं मंग रहे चीज़ अपने वास्ते सीएम की कुर्सी मंग रहे
ਤਾਂ ਸੋ ਸੀ ਐਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਮ ਜੀ ਨੂੰ? ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਗੇ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਡ ਜੋਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਮਰੀ ਆ? ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਵੀ ਟੀ ਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦੰਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।